हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का कितना टारगेट लेवल्स होना चाहिए इस बारे में। जो लोगों को हार्ट की डिजीज़ पहले से हो चुकी है, हार्ट अटैक हो चुका है यानी हार्ट का बीमारी पहले से डायग्नोस हो चुकी है, स्ट्रोक हो चुका है या डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का टारगेट 70 मिलीग्राम से कम रहता है यानी 70 मिलीग्राम से कम एलडीएल लेवल्स को अपने को दवा से मेंटेन करना रहता है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मेंटेन करना होता है। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं या हार्ट अटैक या डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, थोड़े बहुत और हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं, एज थोड़ी ज़्यादा है, वैसे लोगों में एलडीएल का टारगेट 100 से नीचे मेंटेन करने का होता है। जो लोग बहुत यंग है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, पहले कभी कोई बीमारी नहीं हुआ, 25-30 आयु से कम है, कोई स्मोकिंग है, इस तरह का कोई व्यसन वगैरह भी नहीं है, वैसे में अप टिल 160 लेवल्स एलडीएल भी मेंटेन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो तो मेडिसिन देना चाहिए, उससे कम हो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके एटलीस्ट 160 तक लेवल भी मेंटेन करें तो चलता है।